गाइस क्वेश्चन है 64/21 -9/64 /8/11 +3/8। सो इसको सॉल्यूशन करना है। इसको देखिए बनाने के लिए, इसको अगर आप बनाते हैं एलसीएम करके तो ये लेंथी तरीका हो जाएगा, ठीक है। इसको हम बेस्ट तरीका से अभी आपके सामने रख रहे हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बनाने का टेक्निकल माइंड का है कि अभी कंपटीशन युग है, हाँ, कंपटीशन निकालने के लिए बेस्ट टेक्निकल मेथड से अगर बनाएंगे इसको तो आप कम समय में इसका क्वेश्चन पर आंसर पर पहुंच सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या इसका बेस्ट तरीका होता है। देखिए जैसे ये 64 लिखा हुआ है, 64/121, और देखिए इसको 50-50 में इसको कन्वर्ट कर देते हैं क्वेश्चन को। जैसे कि आप बचपन से सीखते आए हैं 6/2/4, इसको क्या करते हैं, जब इसका लिखा रहता है 6/2, इसका बाई क्वेश्चन जो रहता है, इसको बाई को हम क्या करते हैं, बाई वाला नहीं, नीचे कुछ रहता है तो एक छिपाही रहता है, जब इसको पलटते हैं, इसको पलटेंगे तो क्या होगा, एक ऊपर चल जाएगा, एक ऊपर चल जाएगा और चार जो बचेगा वो नीचे ही रह जाएगा। इसी तरह इसको काट लेते हैं ना, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। अब देखिए अब तो कोई अंक नहीं रहा कटने वाला, इसलिए ऊपर का गुना ऊपर से हो जाएगा, नीचे का गुना नीचे से, ये बचपन से सीखते आए हैं, ठीक है। ठीक इसी प्रकार इसको पलटना है, ठीक है। इसको क्लीन करते हैं फिर आगे बता रहे हैं क्या होगा इसका। ये 64/121 है, ये अभी नीचे भाग में है, इसको पलटेंगे तो गुना में चल जाएगा। देखिए गुना के चिन्ह दे दिए, 11 है तो ऊपर चल जाएगा क्योंकि पलट जाएगा अंक, ये बट्टा में चलाएगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर देखिए माइनस है, नीचे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए माइनस दे दीजिए यहाँ पर। ठीक इसको भी पलटना है इसी प्रकार जैसे कि इसको पलटते हैं, ठीक उसी प्रकार इसको भी पलटना है। देखिए यहाँ पर 9 है, बट्टा में 64 है, फिर इसको पलटेंगे बाई में जो लिखा हुआ है 3/8, इसको पलटेंगे तो क्या होगा, 8 ऊपर चल जाएगा, ठीक है, और 3 बाई में ही रह जाएगा, ये इसको पलटी मारेंगे तो 8 ऊपर जाएगा और 3 नीचे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप बेसिक जानबे करते हैं, बचपन से आते हैं काट कूट कर लिए। 11 से इसमें काटिएगा तो 121, 11 मरतबे कटेगा, 111, 121, फिर इसको काटिए इधर से ऊपर नीचे से ऊपर तो 88, 64, ठीक इधर आइए 3 × 3 = 9, ये 3 है नहीं दिखाई देता होगा इसलिए फिर से लिख देते हैं 3। फिर देखिए इधर 8 से 64 में भाग देंगे, काटेंगे तो 88, 64 लिख लिए। अब आइए ऊपर में जो अंक है, ऊपर का मतलब एक मरतबे कटा होगा, 8 × 1 से गुना करेंगे तो 8 आएगा, नीचे भी कोई अंक नहीं है, एक ही मानिए, नहीं है कुछ तो एक ही होगा, 11 × 1 से गुना करेंगे तो 11 आएगा। अब देखिए चिन्ह क्या चीज़ का है, माइनस का, माइनस होगा। फिर देखिए उधर नहीं कुछ है तो 1 है तो 3 × 1 से गुना करेंगे तो 3 होगा, ठीक है। ये तो कटा हुआ था उस समय, नहीं काटने का चिन्ह छूट गया था, मिस्टेक से ये कटा हुआ मान है, ये छूटा हुआ नहीं, तभी ना 3 × 3 = 9 कटा है, ये कटा हुआ मान है, ये नहीं समझिएगा कि 3 बचल है, ये कटल है। आप देखिए यहाँ पर नहीं कुछ है कि 1 है, ये है छिपल, क्योंकि एक ही मरतबे 3 से काटे तब ना 3 × 3 = 9 आया है, इसे भाग दिए होंगे तभी 3 × 3 = 9 आया है, एक यहाँ पर मतलब एक मरतबे कटा है, 3 को 3 से भाग दिए तो 3 है, इसी 3 से भाग इसमें भी दे दिए तब 3 आ गया, बच गया इसका 1, एक मरतबे कटा है। अब इसका भिन्न का घटाव तो सब लोग का आता होगा, जितना भी गाइज है, तो सॉरी गलती लिखा रहा था, 11 × 1 कैल्शियम = 11। अब 11 को 11 में भाग देंगे तो एक मरतबे कटेगा, ठीक है, सॉरी गलती लिखा रहा है, समझे, यहाँ पर 8 ना था, बताइए हमें से मिस्टेक हो गया, इसके लिए सॉरी, 8 हो गया यहाँ पर, हमें से मिस्टेक हो गया थोड़ा, काहे कि अभी थोड़ा जो है कि खाना उना आज नहीं खाया ना, थोड़ा लेट हो गया इसीलिए हो गया, ये होता है कभी कभी। 11 × 8 = 88, इसे भाग देंगे 8 मरतबे कटेगा, जो 8 मरतबे कटेगा भागफल जो आएगा ऊपर गुना कर देंगे 88, 64, और फिर इसको भाग देंगे तो 11 मरतबे कटेगा, 11 मरतबे 11 × 8 = 88,
ग्यारह अठासी आता है, ग्यारह का काट के भाग पड़ता, वही ग्यारह से गुना कर देंगे। यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस दे दीजिए, ग्यारह तिया तैंतीस, यहाँ से घटा लीजिए। चार में से तीन जाएगा तो एक, और छः में से तीन जाएगा तो तीन। अब बट्टा में जो प्रधानमंत्री होता है ये कभी नहीं हटता है, इसीलिए 31/33 आपका आंसर हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है।